और बड़ी खबर इस वक्त की है कि विनेश फोगाट केस पर बड़ी खबर। विनेश फोगाट मेडल केस में फैसला कल आएगा। सीएस विनेश फोगाट पर कल फैसला सुनाएगा और इस बात की खुद अपील विनेश फोगाट ने सीएस से की। सीएस ने साफ तौर पर कहा कि जो फैसला आ जाने वाला था उसको सुरक्षित रख लिया गया और कल सुनाया जाएगा। विनेश फोगाट ने ज्वाइंट सिल्वर मेडल की मांग की है। ये भी आपको बताते चलें कि विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बहुत अच्छे वकील भेजे हैं। महावीर फोगाट ने इस बात का जिक्र किया, हमें अच्छी खबर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट का ये बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि अच्छी खबर मिलने की उम्मीद हम भरसक जता रहे हैं और आपको बता दें कि सरकार ने जो वकील विनेश फोगाट के लिए सीएस में कोर्ट में करने की जो कोशिश की उनकी तारीफ उनके ताऊ के द्वारा की गई और हरीश सॉल्वे विनेश फोगाट का केस देख रहे हैं और कल फैसला आ सकता है किसी भी वक्त। हालांकि रात का समय बताया जा रहा है, रात के 9 बजे तक ये फैसला आ सकता है, लेकिन कल की जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ना सिर्फ विनेश और उनके ताऊ बल्कि पूरे देश की नजरें, पूरा भारत तो इंतजार कर ही रहा है कि विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन राउंड के बाद जो ज्वाइंट सिल्वर मेडल की उम्मीद की जा रही है, जो दरख्वास्त की गई है विनेश की तरफ से, क्या सीएस उसको मंजूर करके ज्वाइंट सिल्वर मेडल क्या विनेश के खाते में डालता है या फिर नहीं, इसके लिए आपको कल तक का करना पड़ेगा इंतजार। और अब बात बीकानेर से बड़ी खबर की, जहां पंचसती सर्किल पर हंगामा देखने को मिला है। दरअसल कैंपर गाड़ी ने एक टैक्सी को टक्कर मार दी है और दो गुटों में मारपीट का ये मामला बताया जा रहा है। वाहन ने टैक्सी को टक्कर मारी है, वाहन के शीशे तोड़कर हंगामा किया गया है। पंचसती सर्कल पर दहशत मच गई इस पूरे मामले के बीच में। सीओ सदर रमेश और एसएचओ जीएनवीसी सुरेंद्र कुमार मौके पर पहुंच गए। एक कैंपर गाड़ी को पुलिस ने जब्त भी कर लिया और अब मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि दो मामलों में ये विवाद हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ ये विवाद दोनों के बीच में बताया जा रहा है। दहशत है पूरे माहौल में, वहां पर आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, पुलिस का जाब्ता भी वहां पर पहुंच चुका है। मामले को फिलहाल शांत करा दिया गया है, स्थिति अंडर कंट्रोल पुलिस की बताई जा रही है। दोनों के बीच में जमीन विवाद को लेकर यह झड़प हुई, उसके बाद से कैंपर ने गाड़ी को टक्कर मारी और वहां पर दहशत जैसा माहौल खड़ा हो गया। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान हाई कोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के हालात और देश में लगे आपातकाल का जिक्र किया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने इस दौरान देश की मजबूत न्याय व्यवस्था की तारीफ की। उपराष्ट्रपति ने आगाह किया कि कुछ राष्ट्र विरोधी लोग एक साजिश के तहत नैरेटिव चला रहे हैं कि भारत में भी पड़ोसी देश जैसी घटना की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये लोग जिम्मेदारी वाले पदों पर रहे फिर भी ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे सकते हैं। ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतें देश छोड़ने को तत्पर हैं, राष्ट्र के विकास को पटरी से उतारना चाहती हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और इसे समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे यह भी कहा कि न्याय व्यवस्था में राज्यों के हाईकोर्ट और चीफ जस्टिस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और चलिए अब खबर बाड़मेर से है, जहां बाड़मेर में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने जिला परिषद में नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य मंत्री के विश्नोई, एमएलए आदू राम मेघवाल, रविंद्र सिंह भाटी, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, नगर परिषद सभापति दीपक कुमारी सहित अधिकारी मौजूद रहे। तो राज्यपाल बनने के बाद किशन राव पहली बार बाड़मेर जिले दौरे पर रहे और वहां पर अधिकारियों के साथ तमाम उनके साथ देखिए विधायक और मंत्री भी मौजूद रहे जिनसे बातचीत की गई। तो गद्दी संभालने के बाद पहली बार बाड़मेर का दौरा, नेताओं और अधिकारियों के साथ उन्होंने सीधे मीटिंग ली, बैठक ली और जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। ये तस्वीरें बैठक की जिस समय बीजेपी के नेता और अधिकारी मौजूद थे बाड़मेर में, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और राजसभा दौरे पर रहे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणाओं पर समीक्षा बैठक की है। मीटिंग में राजसभा विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी,
जिला प्रमुख रतनी देवी, जाट जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, एसपी मनीष त्रिपाठी सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने कई विभागों के प्रगति का अवलोकन किया और सुनिश्चित किया कि सभी योजनाओं और परियोजनाओं का समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन होगा। आज राजसमंद जिले की जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बजट घोषणा हुई थी और उस घोषणा के अनुरूप उसको क्रियान्वित और क्रियान्वयन में लाने के लिए भूमि का चिन्हित करना था, डीपीआर बनानी थी। अदर धौलपुर के कौराली थाना क्षेत्र के रमघड़ा गांव में चोरों ने एक ही रात में चार घरों को निशाना बनाया। सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी सहित कुल 30 लाख रुपए से अधिक की चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। मौके पर पहुंची कोलारी थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। चारों पीड़ितों ने पुलिस को रिपोर्ट पेश कर दी है। दोनों डिस्चार्ज कर दिया गया। दरअसल 25 साल की अनीता के ब्रेन डेथ के बाद परिजनों ने उसके अंगों को डोनेट किया था। पिछले दिनों जोधपुर एम्स से हार्ट जयपुर लाया गया था। एसएमएस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर राजकुमार यादव और उनकी टीम ने एक मरीज में हार्ट ट्रांसप्लांट किया। मरीज को डिस्चार्ज करते वक्त डॉक्टर्स और स्टाफ की पूरी टीम मौजूद दिखी और मुझे लगता है हमारे डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत से बहुत अच्छा कार्य किया है और वो पेशेंट अब अभी डिस्चार्ज भी होने जा रहा है और हम इसको यहीं नहीं रोकना चाहते, हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निकल लोग हैं जो सबसे अच्छा इस कार्य को कर सकते हैं। तो हमारी हम लोगों का यही मन है, जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था कि हमारे इंस्टीट्यूट से कोई ऑर्गन यदि आए तो रिफ्यूज़ नहीं हो। स्टोन अचीव किया है कि हमने आज इस बार हार्ट को बाहर से ला करके शहर में, अब तक तो शहर के अंदर से हार्ट लाते थे, अब हम जोधपुर से एक हमारी ये प्रैक्टिस हुई है कि हम एस्टिमेट किया हमने अपने आप को कि अब कैसा हो सकता है लेकिन तो हमने ये कि अब जो शॉर्ट डिस्टेंस के जो शहर हैं, दिल्ली है, जोधपुर है, कोटा है, इनसे अगर कोई एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर सुविधा हमें मिलेगी तो हम ये इस तरह से हार्ट लाग के लगा सकते हैं और वो ठीक काम कर सकता है क्योंकि इसका बिल्कुल अच्छा रहा है। ये बहुत अच्छा काम किया पूरी टीम ने मिलके, हम 15 दिन से यही हैं और बढ़िया काम किया, बढ़िया रिकवर कर रहे हैं, अभी आराम से खा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सारे काम। चलिए अब बात टोंक की कर लेते हैं। टोंक में लगातार भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने आमजन की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। कलेक्टर ने कल से शुरू हो रहे डिग्गी लक्खी मेला को देखते हुए अतिवृष्टि के कारण संभावित खतरे के स्थानों पर चेतावनी बोर्ड, फ्लैक्स बैरिकेडिंग लगाकर गार्ड स्वयंसेवकों की तैनाती की है। चांदसेन, टोरडी सागर, गलवा और मासी बांध पर पानी में नहीं जाने की चेतावनी वाले बोर्ड लगाए गए हैं। विजय सागर पाल पर चार गोताखोरों को तैनात भी किया गया है। तो डिग्गी लक्खी मेला को देखते हुए अलर्ट देखिए जारी कर दिया गया है। डॉक्टर सौम्या की तरफ से कलेक्टर ने ये जारी किए हैं दिशा निर्देश। जहां खतरे की संभावना जताई जा रही है वहां बैरिकेडिंग्स होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं ताकि लोग सतर्क रहे और ना जाएं। और आपको बताते चलें कि केकड़ी में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। शनिवार को करीब 62 mm बारिश दर्ज की गई। बारिश से शहर के निचली बस्तियां जलमग्न हो गई, सड़कों पर पानी बह रहा है, कई इलाकों में घटना तक पानी भर गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स उसी पानी में स्कूल जा रहे हैं। बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं जिससे जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क कट गया है। प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर धुंधरी बोगला मार्ग पर रपट के दोनों ओर मिट्टी और डलाकर रास्ता बंद कर दिया है।
तो बारिश ब्रेकिंग में आपको धौलपुर की भी खबर बताते चलें। धौलपुर के राजाखेड़ा क्षेत्र के नजदीकी गांव नादोली में पार्वती नदी की रपट पर पानी आने से लगभग 2.5 फीट पानी की चादर चलना शुरू हो गई है। रपट पर पानी की चादर चलने से आवागमन दोनों ओर से पूरी तरह से बंद हो गया। रपट पर पानी के तेज प्रवाह को देखने के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पार्वती नदी में उफान को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर पटवारी और सेक्रेटरी को मौके पर तैनात कर दिया है और आवागमन को पूरी तरह से बंद कर दिया है। धौलपुर की भी खबर ऐसी ही है कुछ, जहां धौलपुर में सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में बहने वाली नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन इस बीच लोग जान जोखिम में डालकर छलांग लगा रहे हैं। इन गांवों के ग्रामीण नदियों में नहाने के चक्कर में पुलों से छलांग लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन तो नजर आया, लेकिन यहां कोई दिशा निर्देशन के लिए प्रशासनिक अधिकारी नजर नहीं है। कोई ठोस व्यवस्था ना होने से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। करौली क्षेत्र में हुई बारिश से नदियां सरमथुरा क्षेत्र से गुजरकर पार्वती बांध में मिलती हैं। और प्रदेश में मॉनसून किसी त्योहार से कम नहीं है। रेगिस्तान में बारिश की बूंदें अमृत हैं, लेकिन इस बार बीकानेर के खाजूवाला में इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। यहां हुई मूसलाधार बारिश किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। वहीं सरकारी तंत्र की लापरवाही के चलते निचले इलाकों में जल भराव आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। रिपोर्ट देखिए। बीकानेर के सीमावर्ती खाजूवाला में खेतों में खड़ी फसलें बारिश के पानी में डूब गईं। खेतों में पानी भरने से इलाके के किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। किसानों के खेतों में खड़ी मूंग, गवार और नरमे की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। किसान विशेष गिरदावरी करवाकर सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही भारतीय किसान संघ ने बीमा कंपनियों से भी बीमा क्लेम दिलवाने की मांग की है। इसके साथ ही तेज बारिश के चलते यहां करीब 100 कच्चे और पक्के मकान ढह गए, उनको भी मुआवजा देने की मांग उठ रही है। अभी काफी दिनों से बारिश का दौर चल रहा है और नगर पालिका प्रशासन जो है उसके पास में पानी निकालने का कोई भी पर्याप्त साधन नहीं है और निचले एरिया में वार्डों में पानी घरों में घुस गया है और हमारी दुकानदारियां जो है पिछले 15 दिनों से बिल्कुल ठप है। ये हॉस्पिटल की रोड जो है हॉस्पिटल वाली पावली रोड, इस पे 15 दिनों से पानी ऐसे ही जमा रहता है और प्रशासन कोई सुध नहीं लेता। मैं प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ से देख के जाता है कि उनके हालात कैसे हैं कैसे नहीं। उधर कस्बे में सड़कें भी बारिश में जलमग्न हो गईं। बारिश के पानी की निकासी के बेहतरीन इंतजाम नहीं होने से कई जगह जल भराव हो गया। कई घरों और दुकानों में पानी भर गया। खासतौर पर निचले इलाकों में बसे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कंटिन्यू बरसात हो रही है और बहुत भारी बरसात है, जिससे किसानों की फसलें तो लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पानी भी भर गया। खाजूला मंडी की यह स्थिति है कि अभी निचले इलाकों में बहुत ज्यादा पानी भर गया है और हॉस्पिटल रोड के तो हालत बहुत ज्यादा बुरे हैं। हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, उसको लेकर हम आए हैं। हमारे SDM साहब से गुजारिश है कि आप इसकी 70 की रिपोर्ट करवाकर आदान अनुदान के लिए गवर्नमेंट को भेजें। इसके अलावा फसल बीमा में आप बुआई निष्फल का प्रावधान लगाकर आप किसानों को तुरंत फसल बीमा क्लेम दिलाएं। पिछले दिनों हुई बारिश के पानी पहले से ही खेतों में भरे थे और यहां पर फिर से मूसलाधार बारिश हो गई। इससे किसानों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा। उधर पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम नहीं होने से जल भराव ने आमजन के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी। News 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, भीलवाड़ा से आपको खबर बताते चलें, जहां भीलवाड़ा के प्रतापनगर में मानसरोवर झील में नहाने के दौरान अज्ञात व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही मिली वैसे ही प्रतापनगर थाना पुलिस सहित SDRF और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के शव को झील से बाहर निकाला गया। सिविल डिफेंस की टीम ने शव को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्ची में रखवाया। फिलहाल मृतक की कोई पहचान नहीं हो पाई। पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी है। पुलिस कंट्रोल रूम के पास सूचना के आधार पर सूचना मिली है कि मानसरोवर झील के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति के डूबने की सूचना पर पुलिस थाना प्रताप नगर से
तत्काल प्रभाव से कॉल किया गया, तुरंत प्रभाव से हम सामान लोड करके यहाँ आए और यहाँ रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन किया, तो उसमें करीबन घंटा दो घंटा लगा हमें, काफ़ी मशक्कत की। उसके बाद बॉडी मिली तो बॉडी को हमने लोकल प्रशासन को सपोर्ट कर दी। वो आया था पहले यहाँ से मानसरोवर झील के, यहाँ डेरी के यहाँ आया, रुका, फिर अंदर आया, अंदर आते वो डायरेक्ट पानी में यहाँ छलांग लगाई, तो उसको मना किया भाई अंदर मत जा, तो वो वापस वहाँ से तैरता तैरता आगे गया, आगे जाके वापस रिटर्न आया, रिटर्न आके इधर गया, इधर जाते उसका पैर फंसा कहीं कहीं, पैर फंसते पहले उसने हाथ ऊँचा किया यूँ, पर तैरना हमारे को नहीं आता था इसलिए हमने बचा नहीं पाए उसको, पर हाथों हाथ पुलिस को सूचित कर दिया था। और टोंक जिले की मंडावर ग्राम पंचायत की देवगंज गांव के ग्रामीण 11 अगस्त को जयपुर कोटा नेशनल हाईवे जाम करेंगे। इसको लेकर आसपास के गांवों में पीले चावल बांटकर समर्थन जुटा रहे हैं। गांव की सड़क को लेकर ग्रामीण पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। पंचायत ने कागजों में सड़क बनाकर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया। मामला उजागर होने के बाद लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण नाराज है। ऐसे में गांव का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने, गांव की सड़क बनाने और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार के दौरान प्रशासन ने सड़क बनाने का आश्वासन दिया था। और नहीं, हमारे गांव में आजादी से लेकर भी गांव का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, और नहीं हमारे यहां पे जो 47 फर्जी मिस्ट्रोल उठा के उसका हमने SDM कलेक्टर मोदी साहब, विकास अधिकारी साहब पटवारी जी और हीरा लाल नागर जी जो ऊर्जा मंत्री, उसको 14 जुलाई को हमने ज्ञापन दिया था और सचिन पायलट जी को हमने 31 जुलाई को ज्ञापन दिया था और 10 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास पे जनसुनवाई में भी ज्ञापन दिया है। और ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के डिब्बों की कमी ट्रेनों में यात्रा करने वाले आम जन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ट्रेनों के जनरल डिब्बों में भीड़ खचाखच भरी रहती है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर भी सैकड़ों यात्री प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ इनमें चढ़ पाते हैं तो कुछ को भारी भीड़ के चलते अगली ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। यात्री भर के मुकाबले ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के डिब्बों की संख्या काफी कम है। इस साल संसद में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठा कि भारतीय रेलों के जनरल डिब्बों को लगातार कम किया जा रहा है और रेलवे का फोकस AC और डीलक्स बोगियों पर ज्यादा है। जयपुर जंक्शन से गुजरने वाली कमोबेश सभी ट्रेनों के हालात भी ऐसे ही हैं। ट्रेन आने से पहले सैकड़ों यात्री जनरल डिब्बों में बैठने का इंतजार करते हैं। ट्रेन में चुनिंदा जनरल डिब्बे होते हैं जो या तो पहले से ही खचाखच भरे होते हैं या ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही खचाखच भर जाते हैं। दिल्ली जा रहे हैं, बहुत भीड़ है, अंदर खड़े होने की भी जगह नहीं होती। दिल्ली जाना है, बैठे हुए काम कर रहे हैं, कैसे भी एडजस्ट कर रहे हैं। जयपुर जंक्शन पर जनरल डिब्बों में बैठने की इच्छा रखने वाले लोग इनकी सीटों के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लोग जनरल डिब्बों में बैठने या सिर्फ पहुंच जाने के लिए कितनी मशक्कत करते हैं। वहीं रेलवे का दावा भी है कि यात्रियों की सुविधा और जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाता है और खास अवसरों पर यात्री भार के अनुसार स्थायी और अस्थायी डिब्बे बढ़ाकर राहत देने की कोशिश की जाती है। पिछले 3 महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो जून में 21 डिब्बे अस्थायी तौर पर बढ़ाए गए, जुलाई में 52 डिब्बे और अगस्त में 53 जनरल डिब्बे अस्थायी तौर पर बढ़ाए गए। वहीं स्थायी तौर पर 10 ट्रेनों में केवल 13 डिब्बे बढ़ाए गए। रेलवे द्वारा यह ध्यान रखा जाता है कि हर वर्ग के यात्री जो कि रेलवे के अलग अलग क्लास में ट्रैवल करते हैं उनको सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए उनको हम सहूलियत प्रदान कर सकें। इसी क्रम में हम पूरी समीक्षा करते रहते हैं, रूट्स की समीक्षा करते हैं, किस यात्री ट्रेन में यात्री भार बढ़ रहा है या किसी ट्रेन में किस क्लास का यात्री भार बढ़ रहा है, उसके अनुसार से हम समीक्षा कर गाड़ियों या तो स्पेशल गाड़ियों का संचालन करते हैं या टेम्पररी या परमानेंट हम कोच का ऑगमेंटेशन यानी बढ़ोतरी भी करते हैं। अगर मैं अस्थायी तौर से कोच ऑगमेंटेशन की बात करें तो उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जून महीने में 21 जनरल कोच जो है एडिशनल लगाए गए, जुलाई महीने में 52 जनरल कोच अस्थायी रूप से लगाए गए और अगस्त महीने में हमने 53 ऐसे जनरल कोच लगाने का प्रावधान कर रखा है। भारतीय रेल ट्रेनों में जरूरत के मुताबिक डिब्बों में बढ़ोतरी के दावे तो करता है, लेकिन प्लेटफॉर्म और जनरल डिब्बों में चढ़ने वाली भीड़ की जद्दोजहद कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हर महीने बढ़ाए जा रहे अस्थायी डिब्बों के मुकाबले यात्री भार बहुत ज्यादा है और यह फौरी राहत ऊंट के मुंह में जीरे की ही सवाल है। इन हालात के हल के लिए रेलवे को बड़े समाधान की जरूरत है, क्योंकि आम यात्रियों की यह समस्या छोटी नहीं। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
और चलिए अब बात को